दिल्ली में कोरोना के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 27,047 नए मामले सामने आए हैं और 375 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामले घटने के बजाय अब लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। राजधानी को कोरोना ने किस कदर गिरफ्त में ले रखा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब दिल्ली में मुंबई से भी ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे में 25,288 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं इस समय दिल्ली में 51,616 लोग होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं, जबकि बीते 24 घंटे में दिल्ली में कुल 82,745 सैंपल की कोरोना जांच की गई है। वहीं मृत्यु दर 1.40% के आसपास है। शुक्रवार को दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 32.69% तक पहुँच गई है। बता दें कि इस समय दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की लाख पहल के बाद भी कोरोना की रफ्तार धीमी नहीं हो रही है। गुरुवार को भी दिल्ली में कोरोना के 24,235 नए मामले सामने आए थे और 395 लोगों की मौत हुई थी। बुधवार को भी कोरोना के 25,986 नए मामले सामने आए थे और 368 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि बीते सोमवार को कोरोना के नए मामले में थोड़ी कमी आई थी। सोमवार को दिल्ली में 20,201 नए केस सामने आए थे और 380 मरीजों ने दम तोड़ा था, लेकिन मंगलवार को बाद में कोरोना के मामले 24,000 के पार रह रहे हैं। मंगलवार को भी दिल्ली में कोरोना के 24,149 नए केस सामने आए थे और 381 मरीजों की मौत हुई थी। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।